हेलो एवरीवन, आज का अपना टॉपिक है बेसिक एक्सेल कैसे पढ़ना है। तो एक्सेल हम लोगों को यूज करना है, तो हम लोगों को एक्सेल के अंदर बहुत सारे फॉर्मूला सीखने पड़ती है। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम लोग पूरा बेसिक एक्सेल और फिर एडवांस एक्सेल कवर करेंगे अपने टॉपिक्स के अंदर। तो टुडेज टॉपिक इज बेसिक एक्सेल। तो बेसिक एक्सेल हम लोगों को करना है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले चाहिए कि भाई हम लोगों को एक्सेल क्या है और एक्सेल क्या फैसिलिटीज होता है। तो एक्सेल के अंदर हमें कुछ भी वर्क करना है, उससे डेटा प्रोसेसिंग का वर्क रहता है। और डेटा की वैल्यू आज के जमाने में क्या है, हम लोग सब जानते हैं। ये डेटा थ्रू वी कैन एनालाइज ऑल द थिंग्स, लाइक हम लोगों का बिजनेस का डेटा है तो उसको मुझे चेक करना है, तो उसको प्रोग्राम का डेटा है तो मुझे चेक करना है। नाउ डेज के भी एवरीवेयर स्कूल है, तो स्कूल के अंदर भी से स्टार्ट करके कोई भी बिजनेस के अंदर एक्सपांड करना है, तो एवरीवेयर वी आर यूजिंग डेटा। तो इंस्टा पर डेटा चेक करना है, तो यूट्यूब का डेटा चेक करना है, तो एनालिसिस इज रिक्वायर्ड। तो एट द सेम टाइम जब भी हम लोग एक्सेल के अंदर काम करते हैं, तो हम कैसे काम कर सकते हैं, वो आज के टॉपिक के अंदर हम लोग कवर करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो, यू कैन यूज इट। तो सबसे पहले कि हम लोग एक्सेल ओपन कर देते हैं। तो एक्सेल के अंदर इसको बोलते हैं हम कॉलम। तो जैसे ही हम ओपन करते हैं, तो यहाँ पर देखो, ये जिसके ऊपर मैं क्लिक कर रही हूँ दिस इज अ कॉलम, यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ तो इसको बोलते हैं रो। एक पर्टिकुलर सेल है, उसको बॉक्स को बोलते हैं सेल, ठीक है। कोई भी बॉक्स में तो हमें किसी भी कॉलम को इंक्रीज करना है, तो वी कैन इंक्रीज फ्रॉम हियर। तो यहाँ से जाकर इंक्रीज कर सकते हैं, ऐसे ही जाकर यहाँ से रो को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ कि भाई मेरा A1 का सेल हो गया, ऐसे ही हुआ कि भाई B1 का सेल, ये सेल है तो मेरा E9 का सेल है, ठीक है। एज वेल एज जब भी हम लोग डेटा के ऊपर वर्क करते हैं, तो यहाँ से हम कॉलम को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, रो को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ऐसे ही न्यू शीट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्लस का बटन है, तो थर्ड सेकंड थर्ड फोर्थ किसी भी शीट्स मुझे ऐड करनी है, आई कैन ऐड इट, ओके। अभी यहाँ पर मैं जाकर कोई भी डेटा के अंदर मुझे वर्क करना है, तो जैसे ही सिंपली हम लोग वर्ड वर्ड के अंदर यूज करते हैं, वही बहुत सारे सेम कमांड यहाँ पर अप्लीकेबल है। वे फाइल में जाते हैं तो न्यू कर सकते हैं, फाइल ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पब्लिश भी कर सकते हैं, राइट। एज वेल एज फ्यू फीचर्स ऑप्शंस के अंदर भी अवेलेबल है फॉर एडवांस लेवल। सेकंड थिंग कि होम मेनू में जाते हैं तो कट कॉपी पेस्ट के सारे फॉन्ट्स की जो फैमिलीज है वो चेंज कर सकते हैं, साइज, बोली चाल, अंडरलाइन, कलर कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और आती है कि हम लोगों को सेल के अंदर जब भी कुछ डेटा डालना है, तो यहाँ पर मैं कुछ भी डालती हूँ तो उसको मुझे कैसे रखना है, बॉटम में रखना है, सेंटर में रखना है या टॉप में रखना है। तो आई कैन एडजस्ट इट, मुझे सेंटर में रखना है, राइट साइड रखना है, लेफ्ट साइड रखना है। तो यहाँ से हम जिस जैसे ही हमारा डेटा है उसके हिसाब से कर सकते, यहाँ से हम उसको वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल अलाइन कर सकते हैं, जैसा भी हमें टेक्स्ट को रोटेट करना है उसके हिसाब से हम रैप कर सकते हैं टेक्स्ट को भी। तो यहाँ पर वर्टिकल में रखना है, हॉरिजॉन्टल में रखना है, तो जो भी अलाइनमेंट्स में रखना है वी कैन यूज इट, ओके। सेकंड थिंग है कि भी मुझे कोई भी रो नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ जाकर उसको डिलीट कर सकती हूँ। तो डिलीट डिलीट, मुझे कोई भी कॉलम है वो नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ कोई भी कॉलम के अंदर एक ही सेल के अंदर खड़े रहकर कर सकते हैं, तो फिर डिलीट कॉलम कर सकते हैं पूरी। मुझे कुछ भी इंसर्ट करना है, तो फिर मैंने ऑलरेडी कुछ टाइप कर दिया है और आफ्टर दैट मुझे उसके अंदर कुछ भी ऐड करना है, तो आई कैन इंसर्ट कॉलम। तो बीच में एक कॉलम आ सकती है, मुझे यहाँ पर एक कॉलम चाहिए, तो लाइक दिस इज माई एक कॉलम, दिस इज अ बी, दिस इज अ सी, तो मुझे वापस से कॉलम चाहिए, तो इंसर्ट कॉलम। तो यहाँ पर मेरी एक नई कॉलम पूरी ऐड हो गई। ऐसे ही मुझे यहाँ पर कोई रो ऐड करनी है, तो इंसर्ट
रो, तो 4 नंबर की रो की जगह पर 5 नंबर, 4 नंबर के अंदर ब्लैंक रो मेरे पास इंसर्ट होकर आ गई है। तो ऐसा जाकर हम लोग इंसर्ट रो और कॉलम कर सकते हैं, यहाँ पर खड़े हैं और जाकर कोई भी जगह पर जहाँ खड़े हैं वहां से इंसर्ट रो कर सकते हैं। ऐसे ही कि भाई लाइक ई में मेरी कॉलम है, मुझे यहाँ पर इंसर्ट करना है, जो कि इंसर्ट करूंगी तो मैं डिलीट कर सकती हूँ रो कॉलम को और इंसर्ट भी कर सकती हूँ, एज वेल एज इंसर्ट सीट नीचे से यहाँ से भी हम कर सकते हैं और यहाँ से भी हम सीट इंसर्ट कर सकते हैं। और डिलीट सीट करना है तो डिलीट सीट भी हम यहाँ से कर सकते हैं कोई भी जगह से, बट डिलीट सीट आप जब भी करते हैं तो अभी मान लो कि एक सीट है मुझे नहीं चाहिए तो मुझे उसको डिलीट करना है, तो यहाँ जाकर मैं जैसे ही डिलीट करती हूँ तो यहाँ पर मैसेज आता है कि माइक्रोसॉफ्ट विल परमानेंटली डिलीट दिस सीट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो एक बार हमने डिलीट कर दिया तो इट्स परमानेंटली डिलीट, वी कैन नॉट रिकवर। ओके, तो फिर वो रिसाइकल बिन में भी नहीं जाती है या कोई ट्रेस मेल के अंदर भी नहीं जाती है, सीट डिलीट हो जाती है तो वो हमको वॉर्न भी करता है जो लाइक इट्स अ परमानेंटली डिलीट, तो आपको डिलीट करना है इफ वी से कि यस डिलीट, तो ये डेटा परमानेंटली अपने पास से चला जाए। ठीक है, कोई भी सीट है उसको जाकर मुझे रीनेम करना है, तो मैं यहाँ से जाकर सीट के ऊपर जाकर यहाँ से राइट क्लिक कर सकती हूँ और जाकर उसको रीनेम कर सकती हूँ कि भाई मुझे उसको बनाना है कि भाई मार्क सीट, तो यहाँ जाकर मैं मार्कशीट ऐसा नाम दे सकती हूँ और कर सकती हूँ, एज वेल एज यहाँ से उठाकर मुझे यहाँ रखना है तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं सीट को, तो कोई भी सीट को यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, कहीं पर भी आपको रखना है तो वी कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ऐसा करके हम लोग सीट को भी चेंज कर सकते हैं, एज वेल एज कभी यहाँ से भी हम लोग इंसर्ट सीट कर सकते हैं, डिलीट सीट कर सकते हैं, यहाँ जाकर नई सीट इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ जाकर मैंने कोई भी एक सीट के ऊपर खड़े रहकर उसको उसके अंदर जाकर मैंने कुछ भी अभी लिख दिया है राइट, और जाकर मुझे नहीं चाहिए तो अगेन मैं यहाँ से भी डिलीट डिलीट हो जाता है। सेकंड थिंग है कि भाई यहाँ गए मुझे उसको रीनेम करना है तो मैं रीनेम भी कर सकती हूँ, क्योंकि लाइक ऐसे कभी स्टॉक मैनेजमेंट सीट मुझे बनाना है तो मैं बना सकती हूँ यहाँ से। सेकंड थिंग है कि भाई लाइक यहाँ जाकर मुझे यही सीट जो बना दी है मैं एक, तो उसकी ही कॉपी करनी है, तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करके मूव और कॉपी कर सकती हूँ पूरी सीट को। क्यों करना है हम लोग आगे के सेशन में सीख रहे हैं, तो यहाँ से ये भी कर सकते हैं, कोई भी सीट को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उसको एक अलग सा कलर भी दे सकते हैं, कि भाई यहाँ पर मैं दे देती हूँ कि भाई मुझे स्टैंडर्ड 9th की कोई फाइल बनानी है, तो मैं 9th की फाइल यहाँ पर बना रही हूँ। ठीक है, तो अभी मुझे स्टैंडर्ड 9th की मार्कशीट बनानी है, तो कैसे बनाऊँ, तो यहाँ से जाकर मैं पूरी रो को जितने भी चाहिए उसको सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो एक्सेल के अंदर जब भी आपको कुछ सिलेक्शन करना है तो शिफ्ट और एरो से कर सकते हैं, तो शिफ्ट और एरो से जाकर यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए जितनी भी कॉलम आपको चाहिए वो साथ में सिलेक्ट करके उसको मर्ज और सेंटर कर सकते हैं, और यहाँ से जाकर मैं बोलूंगी लाइक अंकुर स्कूल, तो ये हो जाता है। फिर मुझे इसको इंक्रीज करना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ से ही इंक्रीज कर सकती हूँ, मुझे उसके अंदर बैकग्राउंड में कलर डालना है तो आई कैन एड कलर फ्रॉम हियर, देन यहाँ से जाकर सिलेक्ट कर लिया पूरा और वापस से कर दिया मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पर दे देते हैं कि भाई स्टैंडर्ड 9th रिजल्ट, तो यहाँ पर जैसे ही मैंने स्टैंडर्ड 9th रिजल्ट दे दिया तो इट कैन इंक्रीज द फॉर्म्स। और अगेन कि मुझे उसके अंदर भी कोई अलग सा सेट देना है तो ये सब दे सकते हैं। तो ये हो गया कि मेरा बेसिक स्टार्ट हो गया है, अभी मुझे उसको बोल्ड करना है तो यहाँ सिंपली बोल्ड कर सकते हैं, इसको भी इटैलिक करना है तो यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन देते हैं तो ठीक है अच्छी बात है, नहीं दे रहे तो इट्स ओके, उसको राइट साइड सेंटर साइड जहां पर भी आपको जस्टिफाई करना है तो आप कर सकते हैं इजिली। तो दिस इज अ बेसिक, नाउ कि मैं अभी मुझे रिजल्ट बनाना है तो नॉर्मल कोर्स में मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, तो ऐसे कि भाई मुझे नेम फुल नेम चाहिए कैंडिडेट्स का, तो अभी मुझे साइज उसकी इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो यहाँ से मैं इंक्रीज कर लेती हूँ। फिर मैं देती हूँ कि कुछ सब्जेक्ट के नाम, तो इट्स आई हैव ऑलरेडी कॉपीड द डेटा
तो मुझे टाइप करने के लिए टाइम नहीं यूज करना पड़े, तो यहां से मैं जाकर पूरा डेटा यहाँ पर डाल दिया। अभी देखो मैंने जहां पर नंबर डालना है वहां पर मेरा एक कॉलम के अंदर नाम आ गया और थ्री के अंदर नंबर आ गया, तो मुझे क्या करना है? कुछ नहीं, सिंपली सिलेक्ट करो डेटा को और उसको कट कर दो, कंट्रोल कट कर दो, यहाँ से यहाँ खड़े रहकर वो डेटा को पेस्ट दे दो। यहाँ पर आपको नंबर का कॉलम बनाना है तो यहाँ नंबर का कॉलम बनाए। अभी कोई भी नंबर का कॉलम आपने बना दिया, राइट? तो अभी मुझे नंबरिंग्स करना है, तो नंबरिंग्स करने के लिए क्या करें? तो दिस इज अ फॉर्मूला बार, हम कुछ भी यहाँ लिखेंगे यहाँ पर तो दिखेगा यहाँ पर, ठीक है? तो मुझे लिखना है क्योंकि लाइक आई एम राइटिंग अ वन, तो एक लिख दिया तो यहाँ पर देखो मेरी फॉर्मूला बार में वो नंबर दिख रहा है कि वन, तो मैं यहाँ पर जो भी लिखूंगी कोई फॉर्मूला बार में यहाँ पर मुझे लिख रहा है, ठीक है? तो अभी मैं यहाँ पर लिखती हूँ वन। अभी मुझे कोई भी नंबरिंग करना है तो बहुत सिंपल सा है कि भाई एक्सेल तो खुद से प्रोवाइड करता ही है ऑटो नंबरिंग फैसिलिटी, बट वी हैव क्रिएटेड वन फॉर्मूला, तो कुछ भी फॉर्मूला बनाना है तो सिंपल सा ऐसे इक्वल टू रख, तो इक्वल टू रख कर अपेर, अपेरो मतलब ए फोर का सेल मैंने सिलेक्ट कर दिया। अभी ए फोर के सेल के अंदर जाकर मैंने प्लस किया और वन किया, तो ए फोर प्लस वन। तो क्या किया कि भाई मैंने बोला कि भाई ए फोर के सेल के अंदर जो डेटा है उसके अंदर वन ऐड कर दो, तो जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगी तो सारे नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो यहाँ पर फायदा क्या हुआ? तो भाई मेरे सारे नंबर्स क्या हो गए? ऑटोमेटिकली आ गए। तो फायदा क्या होगा? तो भाई बीच में जाकर कभी भी मुझे ये डेटा नहीं चाहिए और उसको डिलीट कर देना है, तो यहाँ से मैं जाकर डिलीट करूँ। अभी क्या होगा कि बाकी के नंबर्स मुझे वापस से रिटाइप करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 के ऊपर खड़ी रहकर मैं यहाँ पर देखो प्लस का बटन आ रहा है, तो यहाँ जाकर डबल क्लिक करूंगी ऑटोमेटिकली सारे नंबर सेट हो गए। तो जो डिलीट करना था डिलीट भी हो गया और नंबरिंग मुझे वापस से सेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसको मैं सेंटर में ली। तो उससे क्या होगा क्योंकि एक ही बार में आपको बीच में कोई रो इंसर्ट करनी है तो बीच में आप इंसर्ट भी कर सकते हैं कि भाई ऐसे कि भाई खुदा अभी मुझे वापस से नंबरिंग करना है, अभी नंबरिंग करना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर देखो प्लस आ रहा है वहां से जाकर थोड़ा सा ही क्लिक खींचो, तो तीन में क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली रिमेनिंग नंबर सेट है, तो ऐसे जाकर यहाँ पर पूरा नंबरिंग सेट हो जाता है। अभी जाकर मुझे जहां पर भी मार्क्स दे वहां पर मैं मार्क्स दे रही हूँ और जितने भी नंबर्स देना है मैंने दे दिया। तो लाइक आई से भाई मेरे पास 5 सब्जेक्ट है, भाई 9th का है तो मुझे सब्जेक्ट चेंज करना है। तो मैंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया। अभी क्या है तो भाई लाइक टोटल है, तो अभी टोटल मिनिमम मैक्सिमम काउंट एवरेज परसेंटेज ये सब कुछ हम लोग फॉर्मूला से सीख सकते हैं। अभी मुझे टोटल लेना है यहाँ पर, तो मैं कैसे टोटल ले सकती हूँ? तो मैं मुझे एक कैंडिडेट के लिए उसका टोटल लेके, तो सिंपली यहाँ पर खड़े रहना है, खड़े रहकर यहाँ पर दे देना है ऑटो सम। तो जैसे ही ऑटो सम देंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारे के सारे मार्क्स सिलेक्ट हो गए। उसने क्या किया तो भाई C4 से G4 का जितने भी मार्क्स थे वो सिलेक्ट कर लिया और अभी जाकर एंटर कर, जैसे ही मैंने एंटर कर दिया तो यहाँ पर एक डॉट आ गया, वहां पर प्लस करो डबल क्लिक करो या ड्रैग एंड ड्रॉप करो, तो यहाँ से हम ड्रैग भी कर सकते हैं एज वेल एज डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो विद इन अ सेकंड मुझे सारे जितने भी कैंडिडेट्स थे सबके मार्क्स का टोटल यहाँ पर मिल गया है। ऐसे ही जाकर मुझे करना है क्योंकि लाइक मिनिमम तो इक्वल टू मीन किया, मीन करके ब्रैकेट करना और ब्रैकेट करके उसको नंबर देना है कि भाई कहाँ से कौन सा सबसे कम वाला नंबर है, इसमें सबसे कम वाला नंबर कौन सा है, तो 144। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाया जाएगा तो लाइक 144, और ऐसा ही सारी रो के अंदर जहाँ पर भी है वो तो सारी जगह पर से नंबर निकाल कर वो दे देगा। अभी मैं बोलू कि नहीं, मैं तो यहाँ पर 33 कर रही, तो ये ऑटोमेटिकली 33 वाला जो भी है वो यहाँ पर मिनिमम में आ गया। ऑटोमेटिकली मेरा क्या हुआ, टोटल चेंज हो गया। देखो यहाँ पर 352 था,
हो गया, और यहाँ पर मैं जाकर 33 करती हूँ तो मिनिमम भी चेंज हो गया, मेरा टोटल भी चेंज। ऐसे ही करना है मुझे मैक्सिमम, तो इक्वल टू किया मैक्स, किया मैक्स करके ब्रैकेट कर दिया, ब्रैकेट करके यही सिर्फ मार्क्स ही मुझे सिलेक्ट करने हैं, टोटल मिनिमम मैक्सिमम सिलेक्ट करना नहीं। तो मैंने मार्क्स सिलेक्ट किया और जाकर एंटर कर दिया। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो ऑटोमेटिकली वो मैथ्स की फॉर्मूला देखो यहाँ पर बन कर आ गई, एज वेल एज यहाँ पर आपको सारे के सारे जो मैक्सिमम वाले नंबर है वो मिल गए। भी करते हैं कि भी लाइक काउंट, तो काउंट करो, काउंट ए करो, काउंट ब्लैंक करो, सबके अंदर से आप ऐसे ही काउंट भी कर सकते हैं कि भी लाइक सिलेक्ट किया डेटा, एंटर कर दिया। अभी जैसे ही एंटर किया तो यहाँ पर आ गया तो भी लाइक, बट यहाँ पर मैं बोलूँ तो भी मुझे काउंट ब्लैंक भी करना है, तो काउंट काउंट ब्लैंक, तो काउंट ब्लैंक करना है तो यहाँ पर गए काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट किया और जाकर सिलेक्ट कर। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पर आ गया, तो देखो यहाँ पर 0 नंबर आया क्योंकि एक भी ब्लैंक नहीं है यहाँ पर। यदि मैं एक भी छोड़ देती तो यहाँ पर दिखाता कि भाई काउंट ब्लैंक के अंदर 4 कॉलम है टोटल और एक ब्लैंक। तो ऐसे ही जाकर मुझे यहाँ से पता चलता है कि भाई कोई नंबर्स कोई है कैंडिडेट की जिसने एग्जाम ही नहीं दी, तो यहाँ पर मुझे पता चलता है कि भाई काउंट ब्लैंक अवेलेबल है। ऐसे ही जाकर मुझे करना है एवरेज, तो पूरा एवरेज लिख दिया कि भाई इक्वल टू एवरेज, एवरेज जाकर सिलेक्ट करो और एंटर करो। तो जैसे ही एंटर करेंगे तो ये सारे मार्क्स का एवरेज निकाल कर यहाँ पर हमें दे देगा। तो अभी एवरेज आ गया मेरे पास, तो उसको देखो कोई 74 कंप्लीट नंबर है, बट कभी कभी वो डेसिमल वाले नंबर है, कभी 2 डिजिट वाले है, कभी 1 डिजिट वाले है, कभी नहीं है। तो वी कैन एडजस्ट फ्रॉम हियर, इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। तो यहाँ से मुझे जैसा भी चाहिए उसके हिसाब से मैं एडजस्ट कर सकती हूँ। एवरेज चाहिए मुझे, एवरेज की फॉर्मूला मैं भूल गई हूँ, मुझे चाहिए तो क्या करेंगे, तो एवरेज में गए, एवरेज लिखना ही नहीं है मुझे, तो सिंपली इक्वल टू करो, टोटल का सेल लो और नंबर ऑफ सब्जेक्ट है, तो कितने सब्जेक्ट थे राइट। अभी मैं बोलूँ कि भाई 5 सब्जेक्ट थे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि भाई 55। तो सिंपल एडजस्ट करके हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं एवरेज। ठीक है, अभी जाकर मुझे कर देना है कि लाइक उसको भी एडजस्टमेंट कर देना है, तो यहाँ से मैं जाकर एडजस्ट कर दिया। ऐसे ही मुझे परसेंटेज करना है, लाइक राइट नाउ अभी मैं कुछ भी नंबर ऐड कर रही हूँ यहाँ पर, तो अभी मुझे परसेंटेज निकालना है, तो अभी परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, तो लाइक इक्वल टू करेंगे, परसेंटेज की फॉर्मूला हम खुद से बना लेते हैं कि इक्वल टू किया टोटल का सेल लिया, उसको मल्टीप्लाई किया 100 से और डिवाइड किया 500, देखो क्योंकि मेरे पास 5 सब्जेक्ट के मार्क्स है, तो टोटल इज अ 500 एंड ऑप्टेन इज एच 4। बिकॉज मैं यहाँ पर जो सिंपली नंबर लेती तो वो एक पर्टिकुलर सेल के लिए ही आइडेंटिफाई करता काउंट करता, बट मैंने यहाँ पर क्या दिया उसको फॉर्मूला दी, तो भी H4 से उठा लो और फिर उसको जाकर कर। तो यहाँ पर जैसे ही मैं डबल क्लिक करती हूँ तो फायदा क्या होता है कि भी जैसे ही मैंने ड्रैग किया तो फायदा ये होगा कि लाइक यहाँ पर मुझे क्या मिला कि फॉर्मूला मिली कि भाई H4 का सेल लिया, फिर जाकर H5 का सेल लिया, H6 का सेल, H7, H8, ऐसा करके सारी फॉर्मूला से देख लिया। अदरवाइज मैं ऐसा नहीं करती और सिंपल फॉर्मूला बना दी, तो भी लाइक इक्वल टू यहाँ पर जाकर इक्वल टू 341 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 500 कर, तो एक पर्टिकुलर का आता और फिर बाद में भी जितने भी चाहिए तो उसके अंदर भी सेम रिजल्ट आता। तो सेम रिजल्ट तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो सबका रिजल्ट चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है कि भाई फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला हमें खुद से बनाना है और ऐड करना है कि भाई कहाँ से कैलकुलेट कराना है, तो भाई परसेंटेज लेने हैं तो इक्वल टू किया टोटल का सेल लिया, उसको मल्टीप्लाई किया 100 से डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई करके 500 से
डिवाइड किया कि जैसे हम बोलते हैं कि भाई 500 में से 341 आए तो 100 में से कितना, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर हमने खुद से बनाई है। अभी जाकर यहाँ पर जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो वो अपने आप से नीचे वाले सारे सेल की फॉर्मूला वो बना लेगा। यहाँ से अगेन डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं फॉन्ट्स। अभी मुझे बनाना है कि भाई पास है कि फेल, कैंडिडेट जो भी है वो पास कितने हैं और फेल कितने हैं। ठीक है, तो अभी मुझे पास के लिए क्या करना है कि भाई मुझे देना है कि भाई जिसका रिजल्ट 40% से कम है वो उसको क्या करना है, फेल कर देना है, और बाकी सबको क्या कर देना है तो मुझे पास कर देना है, या 50% से कम है ज्यादा है उसको पास करना है, और 40% से कम है उसको मुझे क्या कर देना है तो फेल कर देना है। तो यहाँ पर जाकर हम इफ की फॉर्मूला लिखेंगे, इफ ब्रैकेट कर दिया क्या, जिसके परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 है, उससे कम है, उस सबको क्या कर देना है, फेल कर देना है। तो यहाँ पर गए और बोल दिया कि भाई पास, अदरवाइज बाकी सबको क्या कर देना है तो फेल, मल्टी किया, एंटर किया। जैसे ही मैंने यहाँ पर किया तो क्या हो जाएगा कि भाई यहाँ पर मेरा सारे के सारे कैंडिडेट्स का जिसका भी रिजल्ट लेस देन 50 है वो फेल डिक्लेयर हो जाएंगे, और जिसका रिजल्ट ग्रेटर देन 50 है वो सबके सब क्या हो गए, कर रहे हैं कि भाई मुझे ग्रेड चाहिए। तो ग्रेड की फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, तो ये भी इफ से बना सकते हैं कि पहले हम लोग डिसाइड करते हैं कि भाई जिसका रिजल्ट 70 से अबाव है उसको हम कर लेंगे कि भाई ए ग्रेड देते हैं, ऐसा ही जिसका रिजल्ट उससे कम है, तो वन बाय वन हम लोग फॉर्मूला जैसे जैसे चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो लाइक मुझे ग्रेड की फॉर्मूला बनानी है तो कोई भी फॉर्मूला बनानी है तो इक्वल टू डाल दी। अभी जाकर मैं करती हूँ कि इफ इफ कहाँ से क्या करना है, तो लॉजिकल टेस्ट क्या है, तो हम बोलते हैं कि भाई यहाँ से चेक करो तो भाई जिसका परसेंटेज है उससे ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 है तो उसको क्या ग्रेड दे दो, उसको ए ग्रेड दे दो। तो यहाँ पर जाकर बोल दिया कि भाई ए ग्रेड दे, फिर कॉमा कर दिया, फिर नेक्स्ट कंडीशन मुझे सेट करनी, तो भाई जिसका रिजल्ट इफ जिसका रिजल्ट जो भी है कि भाई यहाँ पर जो परसेंटेज में दिख रहा है लेस देन और इक्वल टू 60 है तो उसको दे दो, कि भाई लाइक बी ग्रेड दे दो। तो यहाँ पर जाकर कॉमा कर देना है और बी ग्रेड दे दिया। अभी जाकर वापस से कंडीशन बना रहे हैं, तो भाई इफ जिसका रिजल्ट जो भी है जो भी परसेंटेज जिसके लेस देन 50 है राइट, तो उसको देते हैं तो भी लाइक इक्वल टू 50 तो उसको दे देते हैं तो भी लाइक सी। तो यहाँ से जाकर सी बोल दिया। अभी जिसका रिजल्ट वापस से बोलते हैं कि भाई जी इज नेक्स्ट कंडीशन कि भाई जिसका रिजल्ट लेस देन 40 है उसको दे दो डी, तो यहाँ जाकर उसको दे देना है डी और उसको कर देना है ब्रैकेट 1 2 3 4, क्योंकि हमने 4 कंडीशन बनाई है तो 4 क्लोजिंग ब्रैकेट दे दिया, एंटर कर। जैसे ही मैं एंटर किया तो बताते एक्सेप्ट करना है, हमने बोला यस, तो जैसे ही यस की तो यहाँ पर आ गया लाइक का अपना बी का ग्रेड। तो अभी क्या हुआ, तो भाई मेरे पास सारा डेटा ए बी सी डी हिसाब से सेट होकर आ गया है। अभी ये मैंने एक फॉर्मेट बना लिया है, नाउ नेक्स्ट टाइम मुझे दूसरे स्टूडेंट्स के लिए दूसरे क्लास के लिए भी बनाना है तो मैं क्या करूँगी, तो यहाँ से मैं पूरी एक जो सीट है जहाँ जहाँ मैंने फॉर्मूला यूज की है वहां पर मैं लाइट कलर डाल देती हूँ। तो लाइट कलर क्यों डालती हूँ, क्योंकि मुझे फ्यूचर में पता चले कि भाई यहाँ पर मैंने फॉर्मूला यूज की हुई है, तो यहाँ पर जाकर मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया। अभी मैं सिलेक्ट करके उसको क्या बोल रही, तो भाई यहाँ पर जाकर मैं उसको एक तो अभी लाइट कलर दे रही हूँ, लाइट कलर इसके लिए दे रही हूँ कि मुझे पता चले कि भाई यहाँ पर मेरी फॉर्मूला यूज की हुई है, ऐसा ही मुझे नीचे भी करना है। तो आई कैन डू इट इन इन सेल्स, तो यहाँ पर देखो नंबरिंग्स के अंदर मुझे वापस से कुछ भी करना है तो आई कैन डू इट सिंपली डबल क्लिक। भी मुझे वापस से चाहिए कि भाई टोटल चाहिए, मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम चाहिए राइट, तो जो भी चाहिए यहाँ पर हम जाकर
सिंपल, वापस से सेम फॉर्मूला, तो मैं मुझे सब्जेक्ट वाइज भी सब का डेटा चाहिए, तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट वाइज भी डेटा निकाल सकती हूँ कि भाई एवरेज चाहिए, वापस से एवरेज चाहिए या परसेंटेज चाहिए। तो यहाँ जाकर मैंने वापस से कर दिया, यहाँ जाकर मुझे जितना भी चाहिए यहाँ पर भी मैं वापस से कलर डाल रही हूँ, तो फायदा ये होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर मेरी फॉर्मूला मैंने यूज की है। ठीक है, तो यहाँ जाकर मैंने कलर डाल दिया, बॉर्डर लाइन देनी है तो पूरी सीट में जहाँ पर भी मुझे चाहिए वहां पर पूरी सीट के अंदर तो से स्टार्ट करके जहाँ पर भी मुझे बॉर्डर्स डालनी है यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट कर लो पूरा डेटा, शिफ्ट और एरो से मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, पूरा डेटा सिलेक्ट करके यहाँ पर जाकर आप बॉर्डर लाइन दे सकते हो, तो बॉर्डर लाइन भी दे दी। नाउ मुझे वापस से सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो यहाँ जाकर डाल दिया कि भाई सिर्फ ऑटो सम के ऊपर है। यहाँ पर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई लाइक सम की फॉर्मूला भी बना सकते हैं, और अपडेट शिफ्ट और एरो से सिलेक्ट कर सकते हैं डेटा को, तो जितना भी आपको डेटा चाहिए उतना डेटा ऐसे आप सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। ऐसे ही करना है, तो भाई मुझे करना है मिनिमम, तो अभी मिनिमम चाहिए तो क्या करना है, तो इक्वल टू मीन मीन करके ब्रैकेट कर दिया, और जैसे ही ब्रैकेट किया तो नंबर्स देने हैं, तो जो रेंज हमें सिलेक्ट करनी है जिसका मुझे मिनिमम निकालना है वो रेंज सिलेक्ट कर देनी है, एंटर करेंगे तो आ जाएगा इक्वल टू मैक्सिमम चाहिए, तो यहाँ जाकर वापस से ब्रैकेट कर दिया इक्वल टू मैक्स लिख कर, और यहाँ से कोई भी नंबर स्किप नहीं होना चाहिए सिलेक्ट करो, और यहाँ जाकर पूरा डेटा सिलेक्ट करके कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ गया। ऐसे ही चाहिए कि भी लाइक एवरेज करना है, तो एवरेज कर दिया सिलेक्ट किया और एवरेज यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी मेरे मुझे सिंपल वाली एवरेज करनी है, तो क्या करेंगे, तो इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय, तो मेरे पास 21 कैंडिडेट्स है, तो ऐसे कि भी 21 ऐसे ही मुझे करना है परसेंटेज, तो इक्वल टू टोटल का सेल सिलेक्ट किया उसको मल्टीप्लाई किया 100 से और डिवाइड करना है क्योंकि कितने स्टूडेंट थे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉज 21, तो उसको मल्टीप्लाई किया था। अभी क्या किया कि भाई 2100 हो गए, यहाँ से हम डेसिमल इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, तो जैसा चाहिए उसके हिसाब से आप एडजस्ट करके, यहाँ से देखो मैंने पूरा सिलेक्ट किया, अभी यहाँ राइट साइड पर मैं पूरा प्लस को सिलेक्ट करके ड्रैग कर रही हूँ, मुझे सारे के सारी चीजों का जो भी डेटाबेस है उसको मुझे यहाँ पर मिल जाए, तो भाई जो भी पूरा सेट मेरी फाइल एक बन गई है, भी मेरे पास पूरी सीट रेडी है ना, ऐसे ही मुझे 10th की सीट बनानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो जस्ट जाकर यहाँ पर सिलेक्ट करो एक नई सीट बनानी है, तो यहाँ पर राइट क्लिक किया सीट के ऊपर, सीट के नाम के ऊपर, और जाकर मूव और कॉपी कर लिया। जैसे ही मैंने मूव और कॉपी किया तो यहाँ पर एक मेरे पास 9th की सीट थी, 9th की वापस वाली सीट हो गई, अभी दूसरी सीट बन गई है, उसको मैं रिनेम कर देती हूँ, और यहाँ से मैं कर देती हूँ 10th की फाइल। ठीक है, तो स्टैंडर्ड 10th की फाइल हो गई, अभी क्या करना पड़ेगा, तो नाउ मोस्ट प्रोबेबली मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे पास सारी की सारी फॉर्मूलाज रेडी है, तो मुझे चेंज क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ जाकर मुझे 10th कर देना है, तो स्कूल इज द सेम, तो नॉर्मल क्या होता है जो हम लोग एक सीट फॉर्मेट एक अच्छी सीट बना लेते हैं, आफ्टर दैट नेक्स्ट टाइम वही सीट बनाने की जरूरत नहीं होती है, तो फिर क्या करने का कि भाई जाकर सिर्फ और सिर्फ जो भी थोड़ा थोड़ा एडिटिंग होता है वो कर ले, तो आप बोलेंगे कि भाई ये डेटा तो 9th का है, यस, तो यहाँ से ये डेटा को क्या कर देना है आपको डिलीट कर देना है, और तो डेटा को सिलेक्ट करके सिर्फ वाइट स्पेस वाला जो डेटा है वही डिलीट करना है, क्योंकि जो बाकी का डेटा है उसके अंदर फॉर्मूला है, तो हमें अभी पता है, तो यहाँ से जैसे ही मैंने डिलीट किया तो ये आ गया, अभी मैं लिखती हूँ कि भाई लाइक न्यू स्टूडेंट के नेम डालती हूँ, बट राइट नाउ कि भाई एक एक्सेल के अंदर एक और भी फैसिलिटी है कि भाई हम जैसे ही जनवरी लिखते हैं और डबल क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली फेब्रुआरी मार्च अप्रैल सब के सब लागू हो जाते हैं, अभी जाकर मैं
फॉर एग्जाम्पल के भाई नए स्टूडेंट्स के नए मैथ्स डाल रही हूँ, तो यहाँ पर जैसे ही मैं नए मैथ्स डालूंगी तो ऑटोमेटिकली मेरे पास सब कुछ रेडी होकर आ जाता है कि भाई उसका क्या रिजल्ट है, क्या मार्क्स है, क्या टोटल है, एवरीथिंग इज देयर। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि भाई ग्रेड देना है तो मुझे ग्रेड दे सकती हूँ टोटल के हिसाब से करके, और यहाँ पर नए नंबर्स जैसे ही मैं डालूंगी तो अपने आप से पूरे डेटा बनकर आ जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एक्सेल के भाई जैसे ही मैंने एक नंबर डाला तो बाकी के फॉर्मूला के हिसाब से डेटा बनकर मेरे पास रेडी होकर आ जाए। यहाँ पर सेम टू सेम नीचे भी ऐसे ही बन जाता है, तो ये अपना काम एकदम इजी कर देता है। आप लोग उसकी प्रैक्टिस करना तो आपको ज्यादा पता चलेगा। ऐसे ही जाकर अभी तीसरी शीट बनानी है तो यू कैन क्रिएट अ थर्ड वन शीट, यहाँ जाकर थर्ड वन शीट को वापस से नए नाम और नंबर्स दे देने हैं, पहले स्टैंडर्ड 11। तो अभी मान लो कि भाई सब्जेक्ट चेंज करने हैं और ए नंबर्स ऐड चेंज करने हैं, तो यू कैन ऐड इट। आपको इंसर्ट करनी है और कोई भी रो या कॉलम तो आप इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं, और फिर एक बार जब भी आप कुछ भी एडिट या डिलीट करते हैं, इंसर्ट या डिलीट करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि भाई लाइक आपने एक बार इंसर्ट तो कर दिया या डिलीट कर दिया तो फॉर्मूला सेम टू सेम रहेगी, समटाइम्स कोई स्मॉल मॉडिफिकेशंस भी रहते हैं तो आपको उसको चेक कर लेना है और उसके बाद करना है। और एक चीज थी कि लाइक एक्सेल के अंदर एक और भी फैसिलिटी है, दैट्स कॉल्ड ऑटो करेक्ट। यहाँ पर भी मैं मंडे लिखूंगी तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे नाम जो देश के नाम है वो आ जाते हैं। तो इसे आप प्रैक्टिस करके चेक कर सकते हैं कि भाई कैसे करना है, और आपके जो भी रिव्यूज है मुझे देना। थैंक यू वेरी मच।